আৰম্ভ হল কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানৰ নতুন পৰ্যটন বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী। 1 অক্টোবৰ 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ শুভাৰম্ভ কৰে অৰ্কিড উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো সন্ধিয়া পৰ্যটকৰ বাবে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৰ্কিড উদ্যানখনত। প্ৰথম দিনাই 14টা লোকনৃত্যৰ প্ৰদৰ্শনেৰে সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে অৰ্কিড উদ্যানখনে। আনহাতে অসমৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য উপভোগ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে উপস্থিত থকা বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকসকল। 1 অক্টোবৰ নিশাৰে পৰা কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত আৰম্ভ হৈছে এনজয় শীৰ্ষক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটোত অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰো বহু সম্ভাৰ পৰিৱেশন কৰা হয়। কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আমোদ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে বড়ো, কাৰ্বি, মিচিং, তিৱা আদিকে ধৰি বহু হেৰাই যোৱা নৃত্যৰ প্ৰায় 14বিধ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য এতিয়াৰে পৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। প্ৰতি সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰা 8:30 বজালৈ প্ৰায় 1500 পৰ্যটকৰ উপস্থিতিত প্ৰাণ পাই উঠে এনজয় শীৰ্ষক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটোৱে। वेल, ये प्रोग्राम तो बहुत ही अमेजिंग था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये सब चीज़ें, इस तरह के डांस फॉर्म्स और सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे और कुछ घंटों के अंदर मुझे देखने को मिल जाएगी। शायद हो सकता है मुझे आसाम के कोने कोने में जाना पड़ता उसको एक्सप्लोर करने के लिए, टू गेन द यू नो इनसाइट्स ऑफ द कल्चर ऑफ द आसाम स्टेट। बट ये सब चीज़ें विप्लव दा यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे इतनी सुगमता से हम सबको अवेलेबल करवा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहां पे डिलीवर किया है। एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान, माय नेम इज़ यशदीप जैन, एंड आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय सेल्फ, बट आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड सो अमेज्ड टू सी दिस ऑल काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज ओवर हियर। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त और इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन। जब मैं आया था यहाँ पे तो लिटरली मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे ये सब चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी और पूरा आसाम ऐसा लग रहा है कि समेट करके इस स्टेज पे यहाँ पर रख दिया गया है। तो ये जो भी संस्था है यहाँ पे, आसाम किसान मुक्ति संग्राम समिति, इनको मेरी बहुत बहुत शुभकामना और इनका बहुत बहुत अभिनंदन कि पूरे आसाम को इन्होंने समेट करके इस प्लेटफॉर्म पर रख दिया है। सो अगेन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा।